तो बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीना ना बिल्कुल भूल जाएंगे, क्यों करा है ना। जैसे जैसे समर्स आती हैं, बहुत सारी चीजें घर में चेंज होती चली जाती हैं, जिसमें सबसे पहले होते हैं लाइट कलर्स की चीजें हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, कॉटन को प्रेफर करने लगते हैं, चाहे वो हम पहने या हम कहीं पे भी बिछाएं बेडशीट्स वगैरह। तो जैसे बाल होते हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, बड़े फ्रिजी से रहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा सा एक हेयर मास्क है जो कि आप लगाइए जब आप बालों को शैम्पू कर चुके हों, तब लगा लो, पहले लगा लो, मतलब वो बालों को बहुत ही बढ़िया जो है ड्राइनेस जो होती है ना बालों की वो खत्म कर देता है। ये है हिबिस्कस यानी गुड़हल के फूल का पाउडर। पहले तो मैं जो फ्रेश फ्लावर्स होते थे उनका यूज कर लिया करती थी, लेकिन हुआ क्या, उससे जो मेरे घर में तीन मैंने लगा रखे हैं प्लांट्स गुड़हल के, उन सबकी जो पत्तियां और फूल है ना वो सब बहुत खत्म होने लगे, और इतना बड़ा प्लांट मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने जो है ये पाउडर मंगवा लिया था और इसको मैंने स्टोर करके रख लिया है। बहुत अच्छा होता है गुड़हल के जो ये गुड़हल के फूल का जो बेसिकली जब आप पीसते हो ना तो एक स्लाइम सा बन जाता है जो कि बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ये है एक वरदान वाली चीज बालों के लिए जो कि मैं सालों से इस्तेमाल कर रही हूं और जिससे मेरे बाल बचे हुए हैं, और वो है मेथी पाउडर। मेथी साबुत हो या मेथी पाउडर हो कुछ भी आप ले सकते हैं। मेथी को आप मिक्सी में पीस लीजिए, उसका पाउडर बना के रख लीजिए, नहीं तो मेथी को रात में भिगो दीजिए साबुत मेथी को और मॉर्निंग में उसे जो है पीस लीजिए। ये जो मेथी पाउडर होता है ये बालों की लगभग सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने की ताकत रखता है, चाहे डेंड्रफ हो, चाहे ग्रे हेयर हो, चाहे खुजली होती हो बालों में, बहुत सारी चीजें हैं। और इसका कॉम्बिनेशन जो मैंने बनाया है या जो मैं बनाती हूं वो क्या करती हूं, इसमें गुड़हल के फूल पीस के डाल दिया करती थी, लेकिन अब मैंने डाला है गुड़हल का जो पाउडर है ना, फूल का पाउडर, वो डाल दिया है इसमें, और ये दोनों चीजें मैंने बराबर क्वांटिटी में ली हैं। यानी मैंने दो बड़े चम्मच तो मेथी पाउडर लिया है और दो बड़े चम्मच ही लिया मैंने गुड़हल के फूल का पाउडर, और इसमें अब मैं डालूंगी एक और चीज और वो है दही। ये सारी चीजें जो मैं इसमें मिला के तैयार कर रही हूं हेयर मास्क, इससे बालों का जो टेक्सचर है वो भी चेंज होगा, बालों की प्रॉब्लम्स भी खत्म होंगी। इसमें मैं कलौंजी नहीं मिला रही हूं, उसका मैंने अलग हेयर मास्क बता रखा है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो तो होंगी ही, चली ही जाएंगी, लेकिन जब आप इस कॉम्बिनेशन को लगाते हो अपने बालों में ना तो बाल बहुत ही सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। जो गर्मियों में ड्राई हेयर रहते हैं ना, जो सूखे बाल, फ्रिजी और बड़े उड़े उड़े से बाल रहते हैं, वो बिल्कुल नहीं रहेंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हेयर सीरम लगा के हमने स्पा वगैरह बालों में करा रखा है। बिल्कुल मानिए ये इतना अच्छा एक हेयर मास्क है, बहुत ही बढ़िया। तो दही से मैंने इसको घोला है, इसका पेस्ट बनाया है, और जब दही कम पड़े तो थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। अच्छा सा पेस्ट बना के हमें इसे 3-4 घंटे के लिए रखना है, और ये सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी हैं इस वक्त जो कि अपने इन सारे जितनी भी चीजें हैं इन सब की प्रॉपर्टीज एकदम एक जैसी हैं, जिससे कि बालों को बिल्कुल ही अलग तरीके का एक टेक्सचर देंगे। जब 3-4 घंटे हो जाते हैं तो थोड़ा ड्राई ये हो जाता है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसका एक ऐसी कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाइए जो कि आपके बालों में मतलब फैले नहीं अपने अकॉर्डिंग। और इसके बाद इसमें मैं एक चीज और मिलाती हूं और वो है एलोवेरा। गर्मियों में बालों को ठंडक देने के लिए, बालों को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बिल्कुल स्मूथ सा बनाने के लिए हर हेयर मास्क में एलोवेरा तो मैं जरूर डालती हूं। तो जो मेथी है और एलोवेरा है ये लगभग मेरे हर हेयर मास्क में रहता है और इसका पेस्ट बना के मैं लगाती हूँ। और जैसा ये हेयर मास्क आपको देखने में लग रहा है ना चिकना सा, बिल्कुल ऐसे ही ये हमारे बालों को बिल्कुल चिकना और स्मूथ कर देता है। एक बार आप बना के और लगा के जरूर ट्राई करना, फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको इसका असर दिखाई देगा। आप चाहें तो अगर आपने बालों में शैम्पू कर रखा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको लगाने के बाद करीब 2-3 घंटे अपने बालों में रखिए और बालों को हल्का सा मॉइस्ट कर लीजिए,
लीजिए जब आप इसे लगाएं, और उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए। इतने बढ़िया बाल हो जाएंगे, एक एक बाल बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, और रूट से लेकर बिल्कुल जो पूरे बाल है ना, उन सब में अच्छी तरह से अप्लाई करिए इसको। और अब जब 2 से 3 घंटे हो जाएंगे तो अब मैं इसको वॉश कर लूँगी, और उसके बाद देखिएगा बाल कितने बढ़िया हो जाएंगे। समर्स में इस हेयर मास्क को ज़रूर यूज़ करिए। गुड़हल के फूल नहीं है तो गुड़हल के फूल का पाउडर आप मार्केट से ले लीजिए, और अपने जो हेयर केयर की किट है उसमें इन सारी चीज़ों को शामिल करिए। मेरे बाल तो बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, अभी थोड़े से गीले हैं, जब बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे ना तब आपको एक बार दिखाऊंगी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ समर का एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक। शिकंजी हम सब लोग पीते हैं ना, और बार बार उसको बनाना, जैसे बच्चों ने एकदम से डिमांड करी तो नींबू निचोड़ो, फिर इसमें शुगर मिलाओ, पानी मिलाओ, तो वो एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो मैंने अपनी मम्मी को देखा था, वो हमेशा क्या करती थी, एक जो है नींबू और शुगर का एक सिरप बना के रखा करती थी, जो कि बिल्कुल इंस्टेंट, जिससे शिकंजी बन जाती है। तो चलो किचन में चलते हैं। ये 1/2 kg नींबू का रस निकाल लिया है मैंने, और जो इसके छिलके हैं ना उन्हें मैं नहीं फेंकूंगी, उन्हें धूप में सुखा लूंगी। और भी बहुत सारी चीजें छिलकों से बन जाती हैं, धूप में सुखा के पीस के, और जो उसका जो पाउडर बनता है ना, उससे जो बर्तन है वो बहुत अच्छे साफ होते हैं, जो पीतल के बर्तन होते हैं या कॉपर के, ब्रास के, जितने भी बर्तन होते हैं। तो अब ये जो 1/2 kg, क्योंकि मैंने नींबू लिए थे तो मुझे 1/2 लीटर ही लेना है पानी, तो मैंने 1/2 लीटर एक बॉटल से नाप के पानी ले लिया है। ये 1 लीटर की बॉटल है तो 1/2 लीटर इसमें से पानी ले लिया है। और इसके लिए लेंगे जस्ट डबल शुगर यानी कि चीनी, तो 1 kg चीनी। तो सबसे पहले पानी और शुगर को हम क्या करेंगे, एक मिक्स करेंगे, बॉईल करेंगे एक साथ। तो चलो वही शुरू करते हैं। शुगर को और पानी को हमें तब तक गैस पे रखना है जब तक कि इसमें अच्छी तरीके से शुगर घुल नहीं जाती है, और उसके बाद हम जो नींबू का रस हमने निकाला है वो डालेंगे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा ना, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे गैस को, और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसे किसी भी कांच की यानी कि ग्लास की बॉटल में भर के रख दीजिए, और बस इसे आप फ्रिज में कई महीनों तक यूज़ कर सकते हैं, 1-2 महीने तक आप रख दीजिए। बस थोड़ा सा आपको ये शिकंजी का सिरप डालना है, और डालना है पानी, ठंडा पानी, थोड़ा सा काला नमक और पुदीने की पत्तियाँ, बढ़िया शिकंजी रेडी है। परफेक्ट। आप सोडे से भी बना के पिलाओ ये। अच्छा, सोडे वाली। चलो सोडे वाली, बस इसमें पानी की जगह सोडा डालना है। बढ़िया बनी ना। बहुत बढ़िया। ये हो गया तैयार शिकंजी का सिरप। और हमें क्या करना है, जब कभी भी शिकंजी बनानी है तो थोड़ा सा इसको डालना है, बाकी पानी डालें, आइस डालें, काला नमक, पुदीने की पत्तियां, और बिल्कुल मजा लीजिए बढ़िया इंस्टेंट शिकंजी का ना, नींबू निचोड़ना बार बार। और ये पूरी एक बॉटल भर के मैंने बना ली है। इसके साथ एक चीज और है, अगर आप इसे सोडे में चाहें तो पानी की जगह अगर सोडा मिलाएंगे ना और फिर शिकंजी बनाएंगे तो बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीना ना बिल्कुल भूल जाएंगे। क्यों करण, है ना। ये है एक बॉक्स जिसमें कि गिफ्ट के लिए जो चॉकलेट्स वगैरह आती हैं उसका बॉक्स है। इस तरीके के घर में बहुत स्वीट बॉक्स भी हमारे पास आ जाते हैं, मिठाइयों के डब्बे। इसका साइज कुछ ऐसा है। इससे मैं एक बहुत ही अच्छा जो है बहुत ही जल्दी बनने वाला एक वॉल डेकोर बना के आपको बताने वाली हूँ। ये है इस तरीके का, देखो फैब्रिक जिसके ऊपर बड़ी खूबसूरत सी जो है एम्ब्रॉयडरी हो रही है।
ऐसे आपके पास दुपट्टे होंगे, कोई पुराना कोई फैब्रिक पड़ा होगा, और अगर कुछ भी नहीं है तो कट पीस का आप हाफ मीटर फैब्रिक या वन मीटर फैब्रिक ले लो, जो कि बहुत सस्ते मिल जाते हैं। वैसे घर में इस तरीके की बहुत सारे हमारे पास फैब्रिक होते हैं। ये फैब्रिक मैं लूंगी, इस फैब्रिक के नीचे मैंने ली है ये लाइनिंग, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने जो बॉक्स है मिठाई का उसको पेंट कर सकते हैं सेम कलर से, तब इस लाइनिंग की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे पास ये लाइनिंग थी इसलिए मैंने कुछ अच्छी फिनिशिंग आए इसके लिए इसको यूज़ किया, और ये लिया मैंने बॉक्स, स्वीट बॉक्स, और इसके चारों ओर करीब 4 इंचेस का कपड़ा रख के मतलब छोड़ा है मैंने, और कट कर लिया है ये पीस, और इसी तरीके से मैंने 2 पीस कट किए हैं। अच्छी फिनिशिंग जैसा कि मैंने कहा आए तो इसके ऊपर प्रेस करी मैंने, और चारों ओर से मैंने फैब्रिक में सिलाई कर ली है। आप ये सारे स्टेप्स अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप बनाए स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जब छोटे छोटे हम स्टेप्स लेते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट हमारा लास्ट में बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। अब देखिए, इस तरह से मैंने रखा बॉक्स को कपड़े के उल्टे साइड में, और इसे चारों तरफ से अब मुझे स्टैपल करना है। आसानी से स्टैपल हो जाता है क्योंकि ये एक नॉर्मल कार्डबोर्ड ही है, अदरवाइज आप छोटी छोटी नेल्स को भी ले सकते हैं। और देखिए, बिल्कुल जो स्टैपलर के निशान थे वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि फैब्रिक में अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी हो रही है तो वो दिखाई नहीं देंगे। अच्छी तरह से खींच के बिल्कुल प्रिंट बिल्कुल सीधा आए इस चीज़ का ध्यान रखना है और स्टैपल करना है। कॉर्नर्स को भी अच्छी तरह से फोल्ड करना है क्योंकि कॉर्नर्स जब हम इसे हैंग करेंगे तो दिखाई देंगे। तो दबा के बिल्कुल सफाई से हमने चारों ओर से स्टैपल कर लिया। अब क्या होता है, जो इसके कॉर्नर्स है ना, देखिए वो थोड़े से कभी जो है खिंच जाएंगे क्योंकि ये एक कार्डबोर्ड ही है, जब हम इसे क्योंकि हम जब इसे हैंग करेंगे तो इसी के मदद से हैंग करेंगे जो इसके साइड्स हैं। तो इसके साइड्स प्रॉपर रहें तो मैंने क्या किया, एक साइड से मैंने इसमें सुई इस तरह से डाली और दोनों तरफ से बीच में एक धागे की तरीके से इन दोनों को बाइंड कर दिया, और इससे क्या होगा, ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा अपनी जगह से, और आप चाहें तो यहीं पे एक लूप बना दीजिए जिससे कि आप इसको हैंग कर सकें। और ये दोनों साइड से मैंने इस तरह से जो है बाइंड कर दिए हैं साइड्स, इससे ये प्रॉपर बिल्कुल सीधे रहेंगे और बिल्कुल भी नहीं झूलेंगे। तो इस तरह से देखिए तैयार हो गया। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हम पीछे से भी कार्डबोर्ड इसमें लगा सकते हैं, और या तो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेस्ट करके इसके बाद इसके ऊपर कार्डबोर्ड लगा सकते हैं, कोई पेपर लगा सकते हैं, यानी कि पीछे से हमें इसको हाइड करना है। फिलहाल मैंने इसके पीछे एक देखिए इस तरह से पेपर लगा दिया, पहले मैं लगा देती तो और अच्छा रहता। आप कार्डबोर्ड भी पेंट करके सेम कलर से लगा सकते हो। अब देखिए इस तरह से बिल्कुल बढ़िया फिनिशिंग आती है, और मैंने ये दोनों बॉक्सेस इस तरह से ही रेडी कर लिए हैं, और ये बस आप 10 मिनट में बना सकते हो। और आपके पास अगर कई सारे जो है स्वीट बॉक्सेस हैं तो आप इनको बड़ा छोटा इस तरह से करके भी बना सकते हो, और पूरी वॉल में आप क्या कर सकते हो, कुछ प्लेन बना सकते हो, कुछ प्रिंटेड बना सकते हो। और इस तरह से देखिए ये एक कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने प्रिपेयर कर लिए। अभी मैं इसके जो लाइट पिंक कलर है इसका एक प्लेन मैं रेशम के कपड़े से या वेलवेट के कपड़े से भी बनाऊंगी, जो कि इसके बीच में लगाऊंगी, आगे आपके साथ शेयर करूंगी। और मैंने ये जो है अपने जो ड्राॅइंग रूम है उसी में मैंने इनको लगाया, और मुझे अभी और एक्सटेंड करना है, लेकिन ये एक बहुत ही नो कॉस्ट जीरो कॉस्ट DIY एक बहुत बढ़िया बन गया, आप जरूर ट्राई करिएगा। कमेंट्स आते हैं ना, जब आप कोई रेसिपी ट्राई करते हो जो मैं बताती हूँ, और उसके बाद जो आप लिखते हो कि हमने बनाई और घर में सब लोग बहुत खुश हुए, वो मुझे बहुत ही रियल हैप्पीनेस जो होता है वो फील कराते हैं ऐसे कमेंट्स। तो आप लोग अपना जो भी फीडबैक हुआ करे वो जरूर मेरे संग शेयर किया करो। मैंने ना उन सारे जितने भी इस तरीके के जो भी कमेंट्स है ना उनके स्नैपशॉट्स लेके रख लिए हैं, तो मैं उन्हें ना कई बार पढ़ लेती हूँ। कि जैसे एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने लिखा कि उन्होंने गुलाब जामुन बनाए फर्स्ट टाइम, और जब सबको खिलाए तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया। ऐसे बहुत सारे कॉमेंट्स हैं, तो थैंक यू फ्रेंड्स कि आप लोग जो है मुझे बताते भी हो कि वो चीज़ कैसी लगी। एक अच्छी फील आती है मुझे, फील गुड वाली फील आती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। वैसे मैं मीठा नहीं खाती हूँ ज्यादा, लेकिन इसमें मैं मीठा वाला शिकंजी पी रही हूँ, अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैं नींबू पानी और शहद पीती हूँ।